वेलकम टू मार्वल वीडियो पार्ट इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का जो एक मूवी आने वाली है स्पाइडरवर्स अक्रॉस द इनटू स्पाइडरवर्स वाली, उसमें कई सारे कैरेक्टर के यहाँ पर टॉय निकले हुए हैं और उस टॉय को देख के आप लोग एंजॉय कर सकते हो। इसमें वल्चर का कैरेक्टर भी है और इसमें यहाँ पर मैं स्पाइडर वूमन, स्पाइडर स्कारलेट, स्पाइडर स्पाइडर पंक, स्पाइडर बाइट, उसके बाद में यहाँ पर इंडिया स्पाइडरमैन जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाला मेरा फेवरेट अब बनने वाला है स्पाइडरमैन, अब बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। और मेरे चैनल का लोगो अपडेट करने का टाइम आ गया शायद, मे भी मैं अपडेट करूँगा इसको देख के करूँगा भाई, और इसका टॉय खरीदने की कोशिश करूँगा अगर ये सस्ता पड़ेगा तो। यह है स्पॉट का कैरेक्टर। इसमें यहाँ पर मैं स्पॉट में एक इसमें स्पॉट का कैरेक्टर होता है। स्पॉट का कैरेक्टर मींस उसमें होता क्या है कि एक हाथ से आप स्पॉट में हाथ डालोगे तो दूसरी तरफ से स्पॉट से आपका हाथ रिटर्न आएगा और आपके मुंह पे पड़ेगा। तो ये है स्पॉट का कैरेक्टर। उसमें स्पॉट ही स्पॉट होते हैं तो वो इंटरनल डायमेंशनल ऐसे मतलब किसी और डायमेंशन में भेज के आपको रिटर्न गिफ्ट भेज सकता है, उसमें स्पॉट होते हैं। तो वो एक कैरेक्टर यहाँ पर टॉय निकला हुआ है और यहाँ पर मैं स्पाइडर वूमन का टॉय है, इस तरफ स्पाइडर इंडिया का टॉय है। ये मैं टॉय खरीदने की कोशिश करूँगा अगर मेरे बजट में होगा तो। देखो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम मार्वल के कलेक्शन, कुछ कलेक्शन तो मेरे पास होने चाहिए। मार्वल इंडिया का मैं स्पाइडरमैन इंडिया का मैं ये लूँगा, मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे बजट में फिट होगा तो मैं लूँगा, अगर ये ज़्यादा महंगा रहेगा तो मैं नहीं लूँगा। इसका सस्ता वाला वर्जन उठाने की कोशिश करूँगा भाई, पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है। स्पाइडर पंक, ये स्पाइडर पंक है और ये स्पाइडरमैन थोड़ा गिटार विटार लेके घूम रहा है तो दिस इज वेरी नाइस। ऊपर का मेन माल तो दिखाया नहीं मैंने, ऊपर का तो स्काइलेस स्पाइडर 2099 और स्पाइडरमैन 2099 और ये है माइल्स मोरालेस जो मोबाइल के साथ में दिख रहा है। नाइस, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, नाइस। अगली न्यूज़ ये है कि यहाँ पर मैं वॉन्ग का एक कंसेप्ट आर्ट दिखाया गया है जिसमें वो शांगची को उसकी 10 रिंग्स के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में दिखा रहा है। तो उसके कुछ कंसेप्ट आर्ट है शांगची के मूवी से जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो और ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर तरीके से दिखाया जा रहा है, नाइस, वेरी नाइस। स्पाइडर गोइंग का फोंको टॉय निकला है और इसमें आप फोंको टॉय देख सकते हो स्पाइडर गोइंग का जो कि माइल्स मोरालेस के मूवी में है, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के मूवी में। ये रहा कुछ उसका पूरा लुक और आप इसे लुक को देख के लुफ्त उठा सकते हैं। यह है माइल्स मोरालेस का लुक जो कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से लिया गया है जिसका पूरा ब्लू एंड डार्क ब्लैक कलर का सूट है जिसे आप स्क्रीन पे अभी एंजॉय कर सकते हैं देख के। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर नेबुला। तो नेबुला का यहाँ पर आप लोग लेफ्ट वाला हैंड देख सकते हैं, उसके पोज को देख सकते हैं, अभी पोज को देख के एंजॉय करो क्या करना है करो। लेकिन इसका जो हाथ है वो नैनोटेक से बना हुआ है या किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो तलवार और ब्लेड के शेप में जा सकता है और उसमें आग भी लग सकती है। तो उसका हाथ थोड़ा न्यू है तो उसके हाथ को आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो और किसी को अपना पिछवाड़ा खुजलाना हो तो उसका हाथ का उपयोग अच्छी तरह से हो सकता है, ब्लेड भी निकलेगा प्लस आग भी निकलेगी, खुजली सारी खुजली मिट जाएगी। लो कर लो बात। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा लग रहा कि वो डीसी का जो जैक स्नाइडर का बनाया हुआ एक क्रीचर था, उस क्रीचर का नाम क्या था मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस क्रीचर का जो बॉडी स्ट्रक्चर था जो जिससे वो बना हुआ था नैनो बॉट से, वैसा ही कुछ मेरे को यहाँ पर इसका भी हाथ वैसा ही कुछ सिमिलर लग रहा है। अब उसका क्या नाम था डीसी यूनिवर्स में वो विलन का नाम, एक का नाम है इसका डार्क साइड, डार्क साइड का जो चमचा था उस चमचे का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, जो भी है उसका एलिमेंट यहाँ पर ये वाला एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है, तुमको लगेगा नहीं लेकिन पता कर लोगे तुम लोग।
अगली न्यूज निकल के आ रही है कि लोकी का सीजन 2 में यहाँ पर में जो कैंग का दूसरा वेरिएंट है उसके बारे में बताया जाएगा, और कैंग के कई सारे वेरिएंट लोकी के सीजन 2 में दिखाए जाएंगे, और उसके पास्ट और उसके जो किए हुए कांड है टाइमलाइन में वो दिखाए जाएंगे। और इसमें लोकी सीजन 2 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइट हो या नहीं हो या मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अगली न्यूज़ ये है, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आर्ट ये फोटो शेयर की गई है मोडॉक के लुक को लेके, और ये मोडॉक का लुक है जो मूवी में बना के दिखाया गया, और इसको इस तरीके से बनाया गया है। आप लोग उसे स्क्रीन पे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आप चाहे जूम करो, पॉज करके देख लो, मज़ा आएगा। मेरे को भी देखने में मज़ा आया था। मोडॉक के काफ़ी अच्छा लुक डिज़ाइन दिया गया था, मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ऑसम तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक था। अगली न्यूज़, मिस मार्वल का यहाँ पर पोस्टर निकाला गया है, और मूवी को आने में थोड़ा डिले कर दिया गया है ताकि इसके VFX और बाकी के चीज़ों पे अच्छे से वर्क हो पाए। अगला इमेज देख सकते हो, इस इमेज में यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस स्पाइडरमैन का यहाँ पर कॉम्बो करके एक कंसेप्ट आर्ट निकाला गया है जो कि मार्वल की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, और ये वाला इमेज आप देख के एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपको डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का एक कॉम्बो वाला वर्जन देखने को मिलेगा जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की पावर्स को यूज़ कर रहा है, और ये स्पाइडरमैन की तरह उल्टा लटका हुआ है। आप लोग इसको इमेज को रोटेट करके भी आप लोग देख सकते हो, और सीधा करके भी देखोगे तो आपको ये उल्टा लटका हुआ दिखेगा। तो मेरे को तो ये जो कॉम्बो है, जिस तरीके से कंसेप्ट आर्ट बनाया गया है, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट आर्ट हमें पिछले साल में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस कैप्टन अमेरिका का वर्जन हमें गेम में देखने को मिलने वाला था, जो कि गेम में डाला नहीं गया, सीक्रेट इन्फिनिटी वॉर्स से लिया गया एक कैप्टन अमेरिका का डॉक्टर स्ट्रेंज वाला वर्जन। वो यूनिफॉर्म अभी तक मार्वल फ्यूचर फाइट में डाला नहीं गया, डालना चाहिए था बट नहीं डाला, ठीक है कोई बात नहीं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस स्पाइडरमैन का यहाँ पर कंसेप्ट आर्ट निकला है तो इसको भी मार्वल फ्यूचर फाइट में डालना चाहिए। मेरा बस चलता तो मैं तो डालता। आप लोग को क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना ओपिनियन और अपने थॉट्स। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है, यहाँ पर मैं वांडा प्लस स्पाइडरमैन का कॉम्बो करके एक बनाया गया है, इसको आप इमेज को एंजॉय कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पर वांडा के चाहने वाले बहुत है तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत खुशी होगी, वांडा प्लस स्पाइडरमैन का कॉम्बो पावर देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मैं इसको इमेज को बड़ा कर देता हूँ, आप इस इमेज को देख सकते हो, ये वांडा प्लस स्पाइडरमैन का कॉम्बो है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि वांडा का और स्पाइडरमैन का कॉम्बो अगर मूवी में दिखाता है या किसी मल्टीवर्स के थ्रू अगर दिखाते हैं तो मैं कसम से चुम्मा ले लूँगा मार्वल वालों का। कतई जार, हमारे शुक्ला जी बड़े खुश होंगे वांडा को देख के। सही बात है, दिन बन गया आज तो शुक्ला जी का और वांडा का भी, ठको ताली। उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आर्ट है यहाँ पर मैं कैप्टन मार्वल प्लस स्पाइडरमैन का जो कि तुम बहुत देख सकते हो स्क्रीन पे, और मेरे को ये कसम से बहुत टट्टी लग रहा है। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को कैप्टन मार्वल बिल्कुल पसंद नहीं है। कैप्टन मार्वल पसंद ना करने का रीज़न ये है कि भाई अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा तो आप मना तो नहीं करूँगा ना, तो मैं जैसे कि बात कर रहा था यहाँ पर मैं कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन का यहाँ पर कॉम्बो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखू मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन का कॉम्बो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दोनों का आपस में मार खाता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन ना मुन्ना ना कैप्टन मार्वल का पिटाई मेरे को पता चल जाएगी पर ये कंसेप्ट अपनी चलेगा ना मुन्ना ना, कितना गंदा लग रहा है। एक तो कैप्टन मार्वल के पास में वो ढूंढन नहीं होती है, ऊपर से स्पाइडरमैन के पास में होता है पर इसके पास में नहीं होता है, तो ये इसका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। तुमको सब पता ही है कैप्टन मार्वल के बारे में, और मुझे कुछ ज़्यादा उसमें टिप्पणियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर्सनल मैं अपना थॉट शेयर करना चाहता हूँ कि लोग काफ़ी टाइम से बोलते भी थे भाई यू हेट कैप्टन मार्वल। यस आई हेट कैप्टन मार्वल, वाई? बिकॉज आई डोंट लाइक कैप्टन मार्वल, बिकॉज उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। एक वीडियो दिखाता हूँ, वो देखो, ये देखो, ये रहा वो वीडियो जिसके अंदर मैं बात कर रहा था यहाँ पर मैं क्यों मेरे को कैप्टन मार्वल पसंद नहीं थी। अब देखो तुम लोग एक एक करके, अभी यह है मार्वल फ्यूचर फाइट का स्निक पिक, जब स्पाइडर कैप्टन अमेरिका हाइड्रा वाला शील्ड अमेडिस शो को गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद में जो सिल्क नाम के कैरेक्टर उसको गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था तब का, और यहाँ पर मैं अमेडिस शो तुम लोग देख सकते हो फुल्ली किसी और के कंट्रोल में है, और ये कैप्टन अमेरिका का ये वाला लुक जिसमें उसका यूनिफॉर्म है,
और उसके बाद में ये कैप्टन मार्वल जिसने मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ ये रीज़न की वजह से, इसने आयरन मैन के ऊपर मैं मारा था, अटैक किया था, ये है सबसे ज़्यादा मेरा हेट कैप्टन मार्वल को हेट करने वाला रीज़न कि ये आयरन मैन के ऊपर मैं अटैक की थी इसने। भाई यही तो वो रीज़न है जिस वजह से मैं कैप्टन मार्वल का इतना खतरनाक लेवल का हीटर बन गया ना मुन्ना ना। सारा फैन थ्योरी एक तरफ, आयरन मैन के लिए लव एक तरफ, वो कैप्टन मार्वल के लिए हेट एक तरफ, अलग ही लेवल का हेट है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये वो था ना उसका एंट्री वाला सीन जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स ये यूज़ करता है फुल पावर में, और ये है डॉक्टर स्ट्रेंज का कमाल की एंट्री जो मारे फ्यूचर फाइट में अभी तक की सबसे बेस्ट एंट्री मानी जाती है। तो ये रीज़न है कैप्टन मार्वल की मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। अब आई होप करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैप्टन मार्वल के वजह से मैं कितना ज़्यादा हर्ट हुआ हुआ जिस टाइम पे कैप्टन मार्वल को मैंने देखा उस टाइम पे, वो भी मारे फ्यूचर फाइट में इस तरीके से, वो भी आयरन मैन को कुटते हुए। भाई साहब मेरा दिमाग ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मतलब मैं कैप्टन मार्वल गई फाड़ में, तब से मैं कसम कर लेता कैप्टन मार्वल कभी पसंद नहीं करूँगा ना मुन्ना ना। चलो ठीक है, अब तो आयरन मैन की जान बचा ली थी उसने एमसीयू में, इसलिए उसको माफ़ कर दिया था मैंने, वो एक बात अलग है, वो बता दिया मैंने अभी, ठीक है, सही बात है। और यह यहाँ पर मैं गोस्ट राइडर प्लस स्पाइडरमैन का कॉम्बो, एक और कंसेप्ट आर्ट जिसे आप देख के एंजॉय कर सकते हैं, और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा गोस्ट राइडर प्लस स्पाइडरमैन का कॉम्बो। उम्मीद करता हूँ कि हमारे फ्यूचर फाइट में डालेंगे, और स्पाइडरमैन को एक स्पाइडर बाइक भी चाहिए थी जो कि दीवारों पर चल सके, तो ये वो उसकी फेवरेट बाइक बन जाएगी जिस पर यह गोस्ट राइडर बन के काम करेगा। और मैंने एक दिन पहले मैंने बोला भी था आरके को कि मेरे को ये बाइक चाहिए, और मेरे को ये बाइक मिल गई। यहाँ पर मैं गोस्ट राइडर प्लस स्पाइडरमैन का कॉम्बो देखने को मिल रहा है जिसमें मैं बाइक पे आराम से बैठ सकता हूँ बिना पिछवाड़े जलाए। सही है, सही खेल गया बेटा। अगली न्यूज है मैग्नेटो के रिटर्न करने की, एमसीयू में रिटर्न होने की खबर निकल के आ रही है, रूमर्स है, और इसको रूमर्स को तुम लोग रूमर्स की तरह ही लेना। और जो मैग्नेटो है वो एज अ रिटर्न कर सकते हैं अपने रोल में, तो देखते हैं कब तक कौन से मूवी में मैग्नेटो एज अ रिटर्न करेंगे एमसीयू में। अगला यहाँ पर मैं इमेज निकल के आया है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। यहाँ पर मैं ग्रूट को जो है उड़ने वाली पावर्स एबिलिटी मिलने वाली है। ग्रूट के पास में अभी खुद के पंख होंगे जिसके बदौलत वो उड़ेगा, और ग्रूट की ये बॉडी शेप वाली जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी शॉडी है, वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। पिछले बार जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में जो ग्रूट को दिखाया गया था, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, वो काफ़ी वीक था, लेकिन इस वाला जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वाला जो ग्रूट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है, मतलब बोले तो एकदम झकास झिंगा लाला। तो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही अपडेट था और इतनी ही न्यूज़ थी। आई होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। और कैप्टन मार्वल के लिए अभी मेरे दिमाग में कोई हेट वगैरह नहीं है, तो एक तरफ इसको साइड में निकाल देना, आप लोग ये पॉइंट पकड़ के मत बैठना, ठीक है। हेट वगैरह अभी नहीं है, अगर कैप्टन मार्वल ने आयरन मैन को बचाया था एमसीयू में, तो वो देख के मेरे को कैप्टन मार्वल को मैंने माफ़ कर दिया, अब कोई हेट नहीं है, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी और न्यूज़ अपडेट चाहिए वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।